केंद्रीय अध्यक्ष तथा JBCCI सदस्य शिव कुमार यादव के प्रथम आगमन पर हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी में उनकी स्वागत सभा आयोजित की गई थी। सभा दौरान पदाधिकारियों ने यादव इनका भव्य स्वागत सत्कार किया। साथ ही इस समय हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी में HMS कार्यालय का उद्घाटन किया गया। HMS के केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव इनका हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी में प्रथम आगमन पर स्वागत सभा आयोजित की गई। HMS के केंद्रीय अध्यक्ष तथा JBCCI सदस्य शिव कुमार यादव केंद्रीय महामंत्री फ्रांसिस दारा के साथ पेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी में पहुंचे। सर्वप्रथम शिव कुमार यादव ने कोयला मजदूरों के याद तथा सम्मान के प्रतीक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात मजदूरों की सुविधा हेतु नवीनीकरण पश्चात कोयला श्रमिक सभा कार्यालय का फीता काट कर तथा विधि विधान पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान कर उद्घाटन किया। यादव इनका हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी कार्यालय में प्रथम आगमन होने पर चंद्रपुर तथा हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी के पदाधिकारियों ने शिव कुमार यादव इनका शॉल श्रीफल तथा महामाला से स्वागत सत्कार किया। इस समय यादव इनके साथ ही मान्यवरों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में कई साथी गणों ने अन्य संगठन से HMS में प्रवेश किया, जिनका स्वागत सत्कार शिव कुमार यादव ने पुष्प गुच्छ देकर किया। पनावन साथ ही इसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में HMS के केंद्रीय अध्यक्ष तथा JBCCI सदस्य शिव कुमार यादव एवं फ्रांसिस दारा इनके साथ ही दीपक जायसवाल, महंगे यादव, अशोक चिवंडे, साबिर सिद्दीकी, प्रकाश टोटावार, GR शर्मा, नागेश रेड्डी, घनश्याम यादव, संजय मिसलवार, शरद धांडे, वेंकटेश सुरा, सुदामा यादव, सैजुद्दीन शेख, संजय कामले, डी समैया, केशव पिंपलकर, प्रतीक रामटेके, आयुष ठाकरे, कुंडला तिरुपति, बंडू सांधेकर, प्रदीप प्रसाद, मोहन राव, लक्ष्मण कलवल, आशीष साड़े, कार्तिक सरदार, राजेश पिंपल शिंडे, राजेश शुक्ला, राज खोबरागड़े आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संचालन सुदामा यादव तथा आभार प्रदर्शन संजय मिसलवार ने किया। इस समय केंद्रीय महामंत्री फ्रांसिस दारा ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कई जानकारी साझा की कि यकीनन कहिए कि मेरा भी तजुर्बा बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने का रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी यहाँ पर पहले इंटक में रहा, फिर बाद में HMS में आया और फिर मुझे किसी कारण से बाहर कर दिया गया। संगठन छोड़ के नहीं गया फिर, लेकिन इसी में रहा और मेरे संघर्ष में बड़े भैया मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने साथ दिया होगा पहले हिम्मत बंधाने में, तो ये लालपेट क्षेत्र है। इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया और बाद में जैसा वो बात की बात तो वो पूरे पन्नों को आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन 2018 के बाद मेरा जो अनुभव रहा बड़े भैया के साथ में काम करने का, शिव कुमार जी के साथ में काम करने का, इनके काम करने का तरीका कहिए सामने बैठे हैं तो तारीफ कर रहा हूँ तुमको, अन्यथा मत लीजिए भैया, लेकिन ऐसा है कि लोगों को समझना चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो अलग है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो अलग है। कोई भी एक डिसीजन जब आपके सामने आता है, आपको डिसीजन सिर्फ दिखता है, लेकिन उसके पीछे वो जिस तरह से पूरे प्रबंधन से, प्रशासन से, मंत्रियों से, सबसे जो दुश्मनी मोल लेते हैं, उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बार वो किसी मुद्दे पे कूदते हैं तो उस मुद्दे के हल के अलावा उनको बाद में और कुछ नहीं दिखता। ये एक पैशन है, ये जुनून आप कहिए, उसके लिए एक ही शब्द है, जुनून। और आज की तारीख में अगर किसी नेता में नेतागिरी का जुनून नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनने वाला, ये 100% है। और आज सिवाय हमारे बड़े भैया के किसी में नेतागिरी का जुनून है ही नहीं, ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। ये इतना आसान काम नहीं है और ये 2021 में नंबर वन रहे WCL में, 2022 में फिर नंबर वन रिपीट हुआ, 23 में भी 100% नंबर वन रिपीट होगा। और चंद्रपुर क्षेत्र में भैया कि ये पहली बार हम लोग आपके आशीर्वाद से हम लोग प्रथम स्थान पे आए हैं,
इतिहास में चंद्रपुर में कभी भी एचएमएस नंबर वन पे नहीं रहा, ये पहली बार है हम लोग एचएमएस को नंबर वन पे यहाँ पर लाए हैं। उसमें भी अगर सबसे बड़ा आप योगदान देखेंगे तो उसमें लालपेट उपक्षेत्र का है। लालपेट उपक्षेत्र का अगर परसेंटेज में अगर मेंबरशिप देखेंगे आप तो यहाँ पर टोटल जो मैन पावर है उसका मेरे ख्याल से 65-70% मेंबरशिप सिर्फ एचएमएस की है। वो चारों मिला के भी हमारे नंबर के आसपास में नहीं आते चारों मिला के। ये वन साइड मारते हैं, कुछ कुछ जगह तो इन लोगों ने उनको कमेटी के लायक भी नहीं छोड़ा है। तो ये लालपेट उपक्षेत्र की ताकत है और ये यहाँ पर परिपाटी रही है कि कितना भी हो जाए एचएलओसी हमेशा नंबर वन पर रहा है। लेकिन यहाँ पर जमील भाई के जाने के बाद ये प्रश्न चिन्ह उठा था कि भाई यहाँ पर नंबर वन हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन देना चाहूँगा वेंकटेश्वरा को, वो क्या करता है भगवान उसका ही जाने, लेकिन नंबर वन तो रखता ही है और वो बहुत बड़े मार्जिन से। तो आज ये पूरी टीम लालपेट की मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। साथ ही इस समय शिव कुमार यादव ने उपस्थित समस्त जनों को कार्यालय का नवीनीकरण कर सुविधाजनक बनाने हेतु बधाई व शुभकामनाएं दी। इसी के साथ 2018 से प्रारंभ अपने कार्यकाल की कई रोचक घटनाएं तथा इस दौरान मजदूर हित में किए कई महत्वपूर्ण कार्यों से उपस्थितों को अवगत कराया। एचएमएस ने 2018 के बाद किया क्या है? ऐसा है कि एक एक दो दो मामलों पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े भाई साहब लोग कोई भी जिन्होंने जिंदगी भर से जब से चंद्रपुर एरिया बना है एक छत्र राज किया है, पहली बार पिछले साल वो लोग बेचारे दूसरे नंबर पे चले गए और पहले क्रमांक पे कोयला श्रमिक सभा आ गया। अभी मेरे को पता चला कि वो भाषण में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं छीटाकसी करने का बोला ना कि मुझे स्वभाव नहीं, मेरे एकदम सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात करना बहुत अच्छे से आता है। मेरे बड़े भाई साहब लोगों से जरा आप पूछिएगा कि WCL, बाकी जगह का छोड़ दीजिए, कोल इंडिया के बारे में मैं बाद में बोलूं, पहले WCL में राष्ट्रीयकरण के बाद से एक संगठन 2017 तक एक छत्र राज किया है। 80% मेंबरशिप, 70% मेंबरशिप, 60% मेंबरशिप, लास्ट में 50% मेंबरशिप, फिर 40% मेंबरशिप अकेले जो संगठन पूरा एक छत्र राज किया। ऊपर से वो संगठन की किस्मत ऐसी कि गली से दिल्ली तक के सरकार उसकी, एक ग्राम पंचायत का सरपंच उस समय कांग्रेस का, पंचायत समिति मेंबर कांग्रेस का, जिला परिषद मेंबर कांग्रेस का, उससे ऊपर चले जाए तो MLA कांग्रेस का, उससे ऊपर चले जाए सांसद कांग्रेस का, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं थी जो कांग्रेस के सिवा नहीं थी। अधिकतर कोयला मंत्री देखो कांग्रेस का। ऐसे कार्यकाल में जब एक छत्र राज था, आपने कामगारों के लिए बहुत सारा काम किया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको आपने जानबूझकर उलझा के रख दिया और कामगारों को परेशान करने का नया नया तरीका ढूंढ के रखा। आपने कभी नहीं चाहा कि वो कामगारों का भला हो जाए, आपकी कभी ये सोच नहीं रही कि कामगारों को मैं ऐसा डिसीजन कराऊं कि किसी के पास जाना ना पड़े। आप हमारा देखिए कि चंद वर्ष ही हुए हैं हमें, हम नए हैं उनके हिसाब से, क्योंकि चाहे दारा जी हो, चाहे शिव कुमार हो, या जितने भी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं ये हमारे सामने के बच्चे, इनकी क्या औकात है, ये क्या बात करेंगे, इनको तो हमने सिखाया, ये हमारा बैग उठाता था। दारा जी के बारे में एक नेता कहते हैं उसको क्या है, बोले वो मेरा बैग उठाता था, मुझे कहीं बोला। और एक उनके महामंत्री है, उन्होंने तो कहीं भाषण में बोल दिया था कि शिव कुमार को मेयर ने बनाया, उसकी क्या औकात थी। सही बात, आप अगर अपने आप को ही महान बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने आज तक मैं बहुत दिन से छोड़ दिया था उनको,
लेकिन आज मुझे तारा जी ने छेड़ दिया जरा उनके बारे में बोलने के लिए। और एक मैंने यूट्यूब पे भी जरा देखा कि भाषण भी बहुत अच्छा अच्छा दे रहे। एक दो साथी हमारे जो करीबी रहे हैं जिन्होंने कसम खाया था कि रिटायरमेंट और मेरी जो अंतिम यात्रा रहेगी वो HMS के इसमें जाएगी, लेकिन बेचारे ठीक है स्वभाव बदल गया, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। वो भाई साहब के लिए भी मुझे सिर्फ हमदर्दी है, बाकी विरोध में बोलने का हक नहीं है, क्योंकि बेचारे ने बहुत मेहनत किया लेकिन मिला कुछ नहीं। मिला क्यों नहीं, हमने तो मांगा नहीं, फिर भी कुदरत ने और कामगारों ने इतना दे दिया कि सोच के बाहर का हो गया। और आपने दिन रात मेहनत की, सबको गुमराह किया, सबको फंसाया, सब कुछ किया, ना कुदरत ने आपको साथ दिया ना कामगार ने साथ दिया। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि किसी को आप गुमराह करके कुछ दिन तक के रख सकते हैं, परमानेंट नहीं। और आगे बढ़ने के लिए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों में से जिसके साथ भी आप धोखा करना चाहोगे तो आप उनको नहीं धोखा दोगे, खुद को धोखा दोगे। ये जिसने समझ लिया वो कभी फेल नहीं होगा।